पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता से पिस्टल बॉडी लेकर मुंगेर जा रहे चार हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पॉकेट में बंद 80 पिस्टल बॉडी को जब्त किया गया। इस मामले में मुख्य सरगना कासिम बाजार थाना क्षेत्र के हजरतगंज वाला निवासी मोहम्मद इरफान सहित चार हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले एक साल से इस कारोबार में संलिप्त हैं। इस विषय पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव मंगला ने बताया कि हथियार तस्करी एवं निर्माण से जुड़े कारीगर व तस्करों का नंबर साइबर सेल द्वारा सर्किल पर रखा गया था, जिसके माध्यम से पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रेल मार्ग से मुंगेर के कुछ हथियार तस्कर पिस्टल लेकर लखीसराय उतरे हैं, जिसे लेकर यात्री गाड़ी पर सवार होकर तस्कर मुंगेर लेकर के जाएंगे। पुलिस इसी सूचना पर फेरुदियारा के समीप एक यात्री बस को तलाशी के लिए रोककर उसमें तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान ही सब्जी के थैले से 80 पिस्टल बॉडियों को बरामद किया गया। एसपी ने यह भी बताया कि गिरफ्तार हथियार तस्कर पिछले 1-1.5 साल से हथियार तस्करी से जुड़े हुए हैं। ये लोग कोलकाता से 2 से 2,500 पिस्टल बॉडी को खरीदते हैं, जिसे सब्जी के आड़ में रेल मार्ग द्वारा जमालपुर, किउल एवं लखीसराय लेकर आते हैं, जिसके बाद यात्री वाहनों से सब्जी विक्रेता बनकर पिस्टल बॉडियों को मुंगेर लाया जाता है और उसे 4 से 5 हजार के मूल्य पर हथियार निर्माताओं को बेच दिया जाता है। इस पिस्टल बॉडी को दियारा क्षेत्र में फिनिशिंग टच देकर पुनः बाजार में बेच दिया जाता है। इरफान इस गिरोह का सरगना है, जिसमें कई लोग शामिल है। गिरफ्तार तस्करों ने जहां गिरोह के अन्य सदस्यों का नाम बताया है, वहीं किस हथियार निर्माताओं के पास पिस्टल बॉडी को बेचा करता था उसका भी नाम बताया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।